है जहां पर सरकारी जमीन में अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है और इस अवैध प्लाटिंग में ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और पटवारी ने सांठगांठ करके सरकारी जमीन को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया और कार्रवाई के बिना परवाह करते हुए धड़ल्ले से बेखौफ अवैध प्लाट कटिंग का काम चल रहा है। मामला जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसदा का है। यहां पर गांव के भूमिहीन 65 परिवारों को लगभग 2.5 एकड़ जमीन में भूमि आवंटन का पट्टा देना था, लेकिन अधिकारियों पर इस जमीन में घोटाले के आरोप लगे हैं। पीआईसी जाके मैंने देखा तो अभी पता नहीं चल पाया कि किस चीज में ये लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, तो मैंने नोटिस दिया है, सरपंच को नोटिस दिया है मैंने और पटवारी को भी नोटिस दिया है कि वास्तव में क्या चीज है उसका जवाब दें। लोग पटवारी को मैंने नोटिस दिया है पटवारी को कि आपने पहले से मुझे सूचित क्यों नहीं किया, यदि ऐसी कोई बात थी तो सूचित करना चाहिए था। रोड बनाकर और पोल गड़ाकर प्लाटिंग का रूप देकर इसको बिक्री किया जा रहा है अवैध प्लाटिंग के रूप में, और ये पूरा सरकारी जमीन है। अब हमको तो उतना जानकारी नहीं है कि आबादी हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि आबादी हुआ है जिसमें पट्टा वितरण हुआ जा रहा है। जमीन नहीं था तो उसको आबादी घोषित के लिए आवेदन किए, तहसीली में तहसीली के बाद फिर एसडीएम, एसडीएम के बाद कलेक्टर, कलेक्टर के पास फिर पूरा प्रकरण गया तो वहाँ 26/10 को आदेश किए आबादी घोषित के लिए। पूर्व सरपंच सुकृता लहरे के द्वारा और अभी वर्तमान में उसके पति संता लहरे के द्वारा गांव में ना ही मुनादी कराया गया ना ही किसी को बताया गया है। एक एक व्यक्ति से 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक ले रहे हैं और पट्टा भी दिए हैं। सरकार के द्वारा